टीम इंडिया ने लुटिया डुबाई, ट्रॉफी कलेक्टर कैप्टन कूल की याद सताई, एमएस धोनी होते तो दस साल पहले 2013 में आखिरी बार टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में खिताब अपने नाम किया था और उसके बाद भारतीय टीम ने WTC फाइनल 2023 को मिलाकर अब तक कुल 9 आईसीसी टूर्नामेंट में 4 बार फाइनल और 4 बार सेमीफाइनल खेला है, जिसमें उसे हार से लाचार होना पड़ा है। इस वक्त टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े मैच में हार रही है। इससे पहले हम विराट कोहली की कप्तानी में हार रहे थे, लेकिन हर आईसीसी टूर्नामेंट में हार मिलने के बाद सब एक बात कहने लगते हैं, कोई था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था और विकेट के आगे से इतिहास। WTC फाइनल 2023 में मिली हार के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, सबको ट्रॉफी कलेक्टर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। फैन से लेकर दिग्गज तक सबका यही कहना है कि आज अगर MS धोनी होते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथों में होती। वैसे हम आपको बता दें, फैन से लेकर दिग्गजों का ऐसा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम नजर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर डाले तो MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में 4 बार फाइनल खेला है, जिसमें से 3 में उसे जीत हासिल हुई है। और ये टूर्नामेंट्स कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट्स नहीं थे, इसमें 2011 ODI वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। और बताते चलें, महेंद्र सिंह धोनी जब तक कप्तान थे तब तक 3 मेन आईसीसी टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, तब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत नहीं हुई थी। और माही इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों मेन आईसीसी ट्रॉफी बतौर कप्तान जीती हो। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इतिहास में जितने भी कप्तान रहे हैं उन्होंने सिर्फ 7 में से 1 फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की है, और वो भी जीता था कपिल देव ने, जिन्होंने 1983 में पहली बार टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाया था। वैसे क्या आपको भी लगता है कि अगर MS धोनी होते तो बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।